जय श्री राम। आज आखिरकार उन पंच परमेश्वरों ने फैसला सुना दिया। फैसला राम मंदिर निर्माण के हक में हुआ है। बहुत चतुराई से किया गया फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने सारे पहलुओं को ध्यान में रखा है और सारे पहलुओं को ध्यान रखने के बाद एक फैसला, ऐतिहासिक फैसला दिया है। राजा भाई, स्वागत है आपका हमारे शॉर्ट टॉक में, विशेष कार्यक्रम में। आज आपने इस फैसले के बारे में तो आपसे बात करेंगे। कल आपने लिख दिया था कि पंच परमेश्वर सुनाएंगे ऐतिहासिक फैसला, ईश्वर पे फैसला, ईश्वर को। हाँ। तो फिर पंच परमेश्वर ने आज फैसला सुना दिया है जी। और मोटे तौर पे इस फैसले को अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए सर, दरअसल ये राम मंदिर का मुद्दा देश में एक सबसे बड़ा पॉलिटिकल, धार्मिक, लोगों की अस्मिता और भावनाओं से जुड़ा विषय रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल मिंटू से इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसको हमेशा प्रायोरिटी पे रखा। देश की अस्मिता से जुड़ा मामला कि भारत के अंदर ये भगवान राम के विषय में चर्चा हो तो ये मान के चलिए कि देश के हर व्यक्ति, हिंदू खास तौर से जो जुड़ा हुआ है, उसका एक गौरव का विषय होता है। ठीक है, और जुडिशरी में इस मामले में आप देखिए 92 में जब कार सेवा हुई उसके बाद से यह मामला देश की एकदम हेडलाइंस बनता रहा समय समय के ऊपर। ठीक है, तो आज के फैसले पे तो न केवल भारत की, न केवल एशिया की, बल्कि विश्व की निगाहें थी, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, और ये फैसला अभी राइट टाइम पे इसलिए आया क्योंकि सीजीआई को रिटायर होना है। सीजीआई पे गोगोई साहब जो हैं वो 17 तारीख को उनका आखिरी डे कार्यकाल है, वर्किंग डे आपके सामने 2-3 दिन ही बचे हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने सही समय इसको चुना है। और देखिए फैसला क्या होता है, आज मैं पूरी लाइव उनको मतलब जब अंदर जुडिशरी थी तो हम मिनट टू मिनट के अपडेट्स ब्रेक कर रहे थे जी। उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि देखिए फैक्ट्स पे बात होगी, सही बात है कि आपने हम जज्बातों पे बात नहीं होगी, इमोशंस पे कोई बात नहीं होगी, फैक्चुअली बात होगी। फैक्चुअली में उन्होंने 2-3 जगह, चाहे हिंदू समाज से जुड़े लोग जो पैरवी कर रहे थे उनको भी कहा, या मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों उनको भी कहा कि आपने जो फैक्ट पेश किए हैं या तो ये मान्य है या ये मान्य नहीं है, दोनों ही चीजें। कई जगह उन्होंने मुस्लिम पक्ष को खारिज किया, कई जगह उन्होंने हिंदू पक्ष के दलीलों को भी खारिज किया। ऐसा नहीं है कि हाँ, निर्मोही अखाड़ा में कहा उन्होंने कि नहीं आपकी ये बात मान सुनने वाली याचिका खारिज की। तो जब इनिशियली स्टेज पे जब उन पांचों जज बैठे और उन्होंने कहा कि ये हमारा सर्वसम्मति से फैसला है, और जब पांचों साइन कर रहे थे उस समय, जब वेरी मतलब सबसे पहले डायस पे बैठते से ही, तो ऐसा लगने लगा कि अब कुछ टेक्निकल बातें और सामने आएगी जी। और यूनोमिनियसली फैसला था, 5-0 से फैसला था, तो ये माना जा रहा था जो भी फैसला हुआ उसमें पांचों की राय एक जैसी है। एक बात तो देश की, देखिए आज का जो फैसला है ना, ये दरअसल फैसला मतलब एक लंबे समय से चले आ रहा उस मुद्दे पे था जिस पे अभी तक कोई राय बन नहीं पा रही थी, और पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से उसको कैसे समय के अनुसार उसको यूज कर रही थी, धार्मिक पक्ष पर राजनीति कर रही थी यदि आप देखा जाए तो आप। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी चूंकि पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में इसको जगह देती थी तो अपन ही मान के चलते थे भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर एक, देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव एजेंडा था, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़ा चुनाव एजेंडा माना, फिर धीरे धीरे फिर साइडलाइन होती चली गई, फिर उन्होंने कहा कि हमारी अस्मिता से जुड़ा विषय है और फिर मामला कोर्ट में चल रहा है इसलिए इस पर कोई कमेंट्स करना ठीक नहीं है। और आपको याद है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था तब ये माना जा रहा था कि, क्योंकि उसमें 50-50 वाला फैसला था आपको याद हो तो, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड कर दिया जी। तो आज का फैसला मतलब मैं लगातार तकरीबन 1.5 महीने की पर डे की हियरिंग, 4-4, 5-5 घंटे की हियरिंग, मतलब ये इतनी बड़ी प्रायोरिटी पे, इतनी मेरिट पे लेके देश में ऐतिहासिक, मुझे मेरा ऐसा मानना है कि देश का ऐतिहासिक फैसला इस मान से है कि तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक लगातार 4-5 घंटे की हियरिंग हुई है। उन 5-5 घंटे की हियरिंग में दलीलें पेश की गई है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश की गई है, केंद्र सरकार के नॉमिनेटी पेश हुए होंगे और वक्फ बोर्ड और सीएस उन्नी की तरफ से पेश हुएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि आज का फैसला कोई एक दिन का फैसला नहीं है, लगातार उस पर वर्कआउट हो रहा था, लगातार 5-5 घंटे की दलीलें थी। तो फैसला तो आप देखिए उन्होंने बहुत बैलेंस दिया एक तरीके से देखा जाए तो, सही कह रहे हैं, मतलब चतुराई वाला फैसला है। हाँ। और कहीं भी किसी को हर्ट नहीं किया गया, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है और बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण दिया गया निर्णय, बैलेंस फैसला है। बैलेंस से तात्पर्य यह है कि उन्होंने रामलला को
एज इट इज वो जो जगह है जिसको डिस्प्यूटेड जगह कही जाती थी अभी तक, उन्होंने कहा साहब मंदिर का स्थान तो यही है, मंदिर का निर्माण यही होना चाहिए। कई जगह एएसआई ने उसकी दलीलें खारिज की कि इन्होंने एएसआई उस बात को प्रूव नहीं कर पाई जो कोर्ट में चाहिए थी, तो उन्होंने कहा कोर्ट ने कि एएसआई इसको प्रूव नहीं कर पा रही इस बात को। लेकिन अंग्रेजी में शब्द है बाय एंड लार्ज में कोर्ट इस बात से कन्विंस हुई कि यहां पर राम मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि तमाम प्रकार के फैक्ट्स इस फेवर में हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम पक्ष के फेवर में भी ये कहा कि उनको एक अयोध्या में ही उपयुक्त स्थान पे स्थान दिया जाए जहां मस्जिद का 5 एकड़ जमीन की बात की गई है जहां निर्माण हो, और केंद्र सरकार से 3 महीने में ट्रस्ट निर्माण करने के लिए कहा गया कि एक ट्रस्ट का निर्माण हो और क्या प्लानिंग है उसमें बताया जाए, और ट्रस्ट के निर्माण से मंदिर का निर्माण किया जाए और उसमें निर्मोही अखाड़े को स्टेक होल्डरशिप रखी जाए। तो मुझे लग रहा है बहुत ही सबको बैलेंस करने वाला फैसला, सबको खुश करने वाला फैसला, कोई व्यक्ति नाराज नहीं, और जिनकी आस्था अस्मिता धर्म जो हिंदुत्व तो से जुड़ा मसला था उनके लिए तो बहुत ज्यादा खुशी का विषय है ये। बिल्कुल ठीक कहना है, 5 एकड़ जमीन मुस्लिम समाज को मस्जिद निर्माण के लिए दी गई है, राम मंदिर वहीं बनेगा, उसके सारे तर्कों को उन्होंने सुना समझा और साबित भी किया कि हाँ जो कुछ भी था यहाँ पर जो पहले के समय में ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर उस बात की पुष्टि की गई, और तमाम सारे जो जितने भी पहलू थे निर्मोही अखाड़े की जो याचिका थी उनको खारिज किया गया, शिया सुन्नी वाली याचिका को खारिज किया गया, तो तमाम सारी बाधाओं को दूर किया गया। राजा भाई जी, मुस्लिम नेताओं ने कहा है कि वे रिव्यू पिटीशन नहीं लगाएंगे, अभी ताज़ा खबर है। अच्छा निर्णय, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा निर्णय है, देश हित में लिया गया निर्णय है, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पूरे देश ने इसको सर्वसम्मति से इस निर्णय को स्वीकारा है। इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि जिस चीज का डर लग रहा था लोगों को जी, इनविजिबल अदृश्य रूप से एक मन में भय था जी, कि फैसला आने के बाद न जाने क्या क्रिया प्रतिक्रियाएं हो सकती है, न केवल आम आदमी सरकारें भी इस बात को लेकर चिंतित थी, प्रशासन इस बात को लेकर चिंतित था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक वर्ग विशेष के फेवर में फैसला आ जाए और दूसरा वर्ग विशेष कोई इस पर कोई प्रतिक्रिया दे, फिर देश के अंदर कोई टेंशन क्रिएट हो। बहुत ही मैच्योरिटी के साथ देश ने इसको हैंडल किया है, खास तौर से देश की जनता ने, आवाम ने, मुस्लिम पक्ष बहुत साधुवाद के पात्र हैं, मुस्लिम पक्ष इसमें बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं कि इन्होंने इस निर्णय को बहुत ही सिरोधार्य स्वीकार किया है, और इससे संदेश जा रहा है कि बहुत ही देश में जो एकता का मतलब जिसको संदेश इन्होंने इस एंगल से दिया कि इसको बहुत इजी गोइंग स्वीकारा है। देखिए बहुत हार्ड रिएक्शन नहीं दी किसी ने भी, ना वर्बली दी ना कोर्ट के अंदर दी, किसी भी पार्टी ने नहीं दी। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही फॉर्चुनेट पार्ट है, बहुत ही सुखद संयोग है देश के लिए कि हम सब के लिए कि देश के अंदर इस प्रकार से कोई वायलेंस की खबर नहीं आई, किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, सरकारें बहुत ही जिसको कहते हैं ना बीती रात से जब से मालूम पड़ा कि कल फैसला आने वाला है हाई अलर्ट पे थी, खासतौर से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाई अलर्ट जारी किया, कई जगह इंटरनेट कनेक्शन देर रात तक बंद करने की बात की गई है, इसलिए कि अफवाहों से विवाद की स्थिति पैदा ना हो, कोई अफवाह ऐसा ना हो जिससे कोई कम्युनल हारमोनी का डिस्टर्बेंस हो। मुझे लग रहा है ये मुस्लिम पक्ष इसमें साधुवाद के पात्र हैं सर, इसके अंदर निश्चित तौर पर तमाम सारे देश के जितने नागरिक हैं वे साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, और विशेष तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की सराहना की जानी चाहिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसले को काफी गंभीरता के साथ अध्ययन करने के बाद एक चतुराईपूर्ण निर्णय दिया है, और सारे पक्षों को बैलेंस करने के बाद यह निर्णय दिया है, और पुलिस प्रशासन के साथ साथ नागरिक भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने पूरे फैसले को अच्छे से स्वीकारा है, और कहीं किसी भी प्रकार की तनाव की स्थिति निर्मित नहीं हुई है, सब कुछ पूरे देश में इस समय तक अमन शांति है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी इसे ऐसा ही देखने को मिलेगा, सुखद संयोग मिलेगा। राजा भाई, राम मंदिर निर्माण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ चुका है, सारी सरकारी बाधाएँ दूर हो चुकी हैं, अब रिव्यू पिटिशन के लिए भी कोई जा नहीं रहा है, तो क्या लगता है इस निर्णय के बाद से हम उम्मीद करें कि आने वाले समय में जल्दी ही निर्माण कार्य पूरा होगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि 3 महीने के अंदर ट्रस्ट फॉर्म कीजिए और इसकी दशा और दिशा तय कीजिए, तो 3 महीने में हो, 3 महीने के अंदर हो, 3 महीने के दरमियान हो, ये तो सरकार को करना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। लेकिन एक देश का सबसे बड़ा सेंसिटिव इशू था, इस पर एक बहुत अच्छा
पॉजिटिव रिएक्शन के साथ, पॉजिटिव डिसीजन के साथ एक ये मामले की मतलब जिसको कहते हैं पटाक्षेप हुआ है, ये इससे बेहतर क्या हो सकता है? क्योंकि ये मुद्दा पत्रकार वार्ताओं में भी छाया रहता था, जब बीजेपी का व्यक्ति कोई पत्रकार वार्ता लेता था सेंट्रल लीडरशिप से या स्टेट लीडरशिप से, तो हम लोग भी पूछते थे कि क्या राम मंदिर का क्या स्टैंड है। हालांकि हम भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सब जुड़ा है, उसके बाद भी हम इनकी ओपिनियन लेने के लिए हमेशा बात करते रहे। तो एक बड़े देश का सबसे बड़ा सेंसिटिव इशू का एक बहुत ही सुखद पटाक्षेप हुआ है, ये सबसे अच्छी बात है। मंदिर निर्माण का कार्य तो अपने समय के साथ शुरू होगा ही, और किस रूप में होगा, सरकार क्या गाइडलाइन फ्रेम करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या इन डिटेल कहा है, ये अभी फैसले को पढ़ना है, क्योंकि तकरीबन 1000 से अधिक पेज का फैसला है वो, इसलिए अभी इस पर कोई कहना रिएक्शन देना जल्दबाजी होगी। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राम की ही है अयोध्या, मंदिर वहीं बनेगा, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने टेक्निकल भाषा में कह दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर उसी स्थान पर बनेगा जो डिस्प्यूटेड जगह मानी जा रही थी। मुस्लिम पक्ष को भी सेटिस्फाइड करने के लिए मैं कहीं सुन रहा था या पढ़ रहा था, मतलब जुडिशरी ने अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहा है सर कि 5 एकड़ लैंड दी जाए। सही बात है, एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला, बहुत सोच समझ कर, सोच विचार कर, देश हित में, जनता के हित में। और मुझे लगता है कि जो देश के जो वर्ग विशेष हैं दोनों, चाहे वो हिंदू संप्रदाय हो मुस्लिम संप्रदाय हो, और तमाम लोगों को बैलेंस करने के बाद इस फैसले को दिया। बिल्कुल, और निश्चित रूप से उसका सुखद परिणाम निकल कर सामने आया है कि देश में कहीं किसी प्रकार का अशांति का वातावरण नहीं है, सब कुछ वैसे ही निर्बाध गति से साधारण जैसा हमेशा चलता है वैसे ही चला आ रहा है। तो निश्चित तौर पर सरकार बधाई की पात्र, सुप्रीम कोर्ट बधाई के पात्र, और देश के नागरिक बधाई के पात्र हैं कि इस तरह के एक बड़े फैसले, जिसके लंबे समय से जिस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, वह फैसला भी अच्छे से आया है और देश में अमन शांति बनी हुई है। क्या लगता है, जैसा आपने कहा कि 1000 पन्नों का ये फैसला है, उसके बाद इस पर कोई प्रतिक्रिया करना उचित होगा, आपको क्या लगता है कि आने वाले 2-3 वर्षों में सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठा पाएगी, मंदिर निर्माण हो पाएगा पूरा, ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए, अब सरकार की मंशा पर डिपेंड करेगा। ये मामला जो कोर्ट में सब जुड़ा था, उसका निर्णय आ चुका है, और सरकार को एक टाइम पीरियड दिया गया है कि इस 3 महीने के पीरियड के अंदर एक ट्रस्ट का फॉर्म करके उसमें निर्मल खड़े को स्टेक होल्डर बनाइए ट्रस्ट के रूप में, और आप इसकी प्रक्रिया का प्रारंभ कीजिए। तो मुझे लग रहा है एक जो बड़ा मसला देश में पेंडिंग था, पेंडेंसी उसकी खत्म हो गई है, उसमें क्लियर कट एक डिसीजन आ चुका है कि मंदिर तो वहां बनेगा जो डिस्प्यूटेड जगह थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष को भी 5 एकड़ लैंड के साथ अयोध्या में भी जगह दी जाए जहां पर भी मस्जिद बनाई जाए। लेकिन ये दरअसल कहीं कागजों पे मेंशन नहीं था। मैंने बताया ना कि मैंने आज ही कहीं सुना है इसको कि ये विशेष अधिकार इस्तेमाल किया है किसने, जुडिशरी ने, कि मुस्लिम पक्ष को भी सेटिस्फाइड करके। एक तरफा फैसला ऐसा नहीं है, देखिए एक तरफा इसलिए नहीं है कि मंदिर वहां फैक्ट जब जुडिशरी ने स्टडी किया होगा तो ये माना होगा कि फैक्चुअली ये वही जगह है जहां राम का जन्म हुआ, श्री रामलला विराजमान है, यह मंदिर बनना चाहिए। सिंगल, एक आम आदमी की भाषा में अपन बात करें तो ठीक है, लेकिन कोई बेदखली नहीं है, इनको भी एक अच्छी जगह दी जानी चाहिए। ये देखिए टेक्निकल वर्ड है, कोर्ट ने अपने हिसाब से उसको कैसे फ्रेम किया होगा ये कानून के बीच ज्यादा अच्छे से जानते हैं। हम आम आदमी की भाषा में बात करें तो दोनों पक्षों को राजी किया गया है, एक पक्ष को जो हिंदू समुदाय से बिलोंग करते हैं उस पक्ष को उस एंगल से राजी किया गया है कि मंदिर वहीं बनेगा जिसका आप, जिस टाइटल के लिए आप पिछले लंबे समय से जुडिशरी में डिस्प्यूटेड चल रहा है मामला, और मुस्लिम पक्ष से भी यह कहा गया है कि आपको अयोध्या में ही एक पर्टिकुलर जो उपयुक्त जगह होगी वह शासन, राज्य शासन आपको जगह उपलब्ध कराए। लेकिन देश में इस बात का जो तनाव की आशंका थी, मैं लगातार पिछले 3-4 दिन से पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं कि मोहन भागवत मुस्लिम पक्ष के लोगों से संवाद कर रहे थे, मतलब गृह मंत्री मुस्लिम पक्ष के लोगों से भी संवाद कर रहे थे, हिंदू पक्ष के लोगों को भी बैठ के बात कर रहे थे, इसलिए कि हारमोनी बनी रहे, ऐसा ना हो कि निर्णय के बाद कोई तनाव की स्थिति देश में आए। क्योंकि अभी हम जम्मू कश्मीर धारा 300 अनुच्छेद 370 वाले मामले से बहुत ज्यादा भी बाहर आ नहीं पाए हैं देश के अंदर, एक मतलब वो ऐसा माना जा रहा था कि बड़ा टेंशन होगा, लेकिन सब कुछ सुखद है, सब कुछ शांतिप्रिय है। तो बड़े बड़े निर्णय जब होते हैं तो सरकारों की जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है, ठीक है। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, पार्टी मैनिफेस्टो के आधार पर कोई क्रेडिट लेना चाहे बात अलग है, लेकिन निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मंदिर वहीं बनने का आदेश हुआ है, न कि भारतीय जनता पार्टी के कोई क्रेडिट लाइन से, ठीक है। आपका पॉलिटिकल मैनिफेस्टो हो सकता है, लेकिन उसको फाइनली फ्रेम किया है, डिसाइड किया है सुप्रीम कोर्ट ने।
यदि देश में जनता की कोई रिएक्शन आती तो ये कोर्ट के खिलाफ होती, ये कोई पार्टी के खिलाफ नहीं होती, ये किसी एजेंसी के खिलाफ नहीं होती, ये केवल जुडिशरी के खिलाफ होती कि इस निर्णय को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता मेच्योर्ड है, जो लोग उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं उन्होंने उसको स्वीकारा है। मुस्लिम पक्ष ने वापस रिव्यू पिटीशन पर नहीं जाने का फैसला किया है, इसका मतलब अब इसका सुखद अंत चाहते थे और सुखद अंत हो गया। बिल्कुल ठीक कहना है, एक जो विचार निकल कर सामने आया पूरा कुल मिलाकर इस पूरे लब्बो लुआब को, इस शो के लब्बो लुआब को बात करें, राजा भाई की बात करें, तो सारा निर्णय बेहतरी के लिए किया गया है। देश की जनता ने उस बेहतरी के निर्णय का स्वागत किया है और दोनों ही पक्षों के लोगों ने इसका स्वागत किया है। और निश्चित तौर पर देश का सुप्रीम कोर्ट बधाई का पात्र है, जिन्होंने एक ऐतिहासिक फैसले को इतने अच्छे ढंग से लिखा है, इतने अच्छे ढंग से दिया है कि पूरे देश में अमन शांति चैन बनी हुई है। बहरहाल हम सब यही प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि ऐसी ही अमन शांति हमारे देश में बनी रहे, जो मसले देश के अंदर चल रहे हैं, जो बड़े बड़े मैटर्स हैं, वो इसी तरह हल होते रहें और देश एक अलग दिशा में जाए, खुशहाली की ओर जाए, तरक्की की ओर जाए। बहरहाल आज के इस शो में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। जय श्री राम।